हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब यहां पर अलका सिनेमा के बाहर सुपरस्टार यूवी की नई फिल्म लव इन रेन के प्रीमियर शो के लिए इकट्ठा हुए हैं। अंदर शो का प्रीमियर चल रहा है और सुपरस्टार यूवी भी यहां पर फिल्म देखने के लिए आए हुए हैं। यूवी पहले ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने लगातार 10 फिल्में हिट दी हैं। उनकी पिछली फिल्म मोहब्बत की राह ने तो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा कर रख दी थी और हम सबको यही उम्मीद है कि उनकी नई फिल्म भी कामयाबी की शिखरों को छू ले। यहाँ पर इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी भीड़ कम नहीं हो रही है। यूवी की एक झलक पाने के लिए लोगों का उत्साह नहीं समा रहा है। इन्हें इंतजार है अपने दिल के टुकड़े यूवी का, जो अब किसी भी वक्त बाहर आ सकता है, क्योंकि हमें अभी अभी खबर मिली है कि प्रीमियर शो खत्म हो चुका है। और ये देखिए, यूवी बाहर आ रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो काला सूट पहना है वो खास प्रीमियर के लिए लंदन से बनवाया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रीमियर का पहला टेलीकास्ट हमारे समाचार टीवी पर पहले दिखाया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं यूवी से। ए राज, मीडिया को आने दो। यूवी जी, इस नई फिल्म से आपको क्या उम्मीदें हैं? एक नई फिल्म से एक्टर को वही उम्मीदें होती हैं जो एक दूल्हे को नई नई दुल्हन से होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नई फिल्म मेरी जिंदगी में नई उम्मीदें और नई खुशियाँ लेकर आएगी। सुनने में आया कि आपकी पहली बीवी मान्यता ने आपको कोर्ट में घसीटने की पूरी प्लानिंग कर ली है। नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। थकावट की वजह से चक्कर आ गया। एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। एक्सक्यूज मी। आप पूछो। अभी सर हॉस्पिटल में हूँ। जैसी कुछ खबर मिलती है मैं तुम्हें बताती हूँ। या बाय, टेक केयर। या मिस्टर कुमार, यूवी सर हॉस्पिटल में है, आज वो शूट पे नहीं आ सकते, आपको शूट उनके बिना करनी पड़ेगी। प्लीज मेरे पति को बचा लो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। संभालो अपने आप को। I'm sorry. नहीं, नहीं, please, ऐसा मत कहिए डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज कहिए कि ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों ने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। इतना मैसिव हार्ट अटैक था कि मैं कुछ नहीं कर सका। सॉरी। क्या क्या अजीबो गरीब तरीके निकालते हैं आजकल ये खूनी भी, मासूम लोगों की जान लेने के लिए। सब प्लीज मेरी मदद कीजिए, इट्स वेरी अर्जेंट। क्या बात है, कौन है आप और इतनी घबराई हुई क्यों है? सर, मेरा नाम मान्यता है, मैं मशहूर एक्टर यूवी की पहली पत्नी हूँ। यूवी, जिनकी कल रात दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा है, इट्स अ मर्डर, खून हुआ है उनका। What? यूवी का खून हुआ है? ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि कुछ दिनों से कोई फैन यूवी को धमकी भरे खत भेज रहा था। सर, आई एम श्योर ये काम उसी का ही है। हमने तो सुना है कि आपने यूवी पे कोर्ट में केस कर दिया है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने आपको डिवोर्स तो दिया लेकिन उतनी दौलत नहीं दी जितनी आपको चाहिए थी। हाँ, ये बात सही है, लेकिन हमने बातचीत करके ये मामला सुलझा लिया था और अब
मेरे दिल में यूवी के लिए कोई मैल नहीं है। अब यूवी तो इस दुनिया में रहे नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दौलत और जायदाद के लिए आपने ही? ये क्या कह रहे हैं सर आप? अगर मैंने यूवी को मारा होता तो क्या मैं आपके पास आती? और यूवी की मौत के बाद अब सारी दौलत उसकी पत्नी अर्पिता की है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो आपको लगता है कि ये खून अर्पिता ने किया? खून किसने किया है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि खून हुआ है। और अगर आप लोगों ने जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया तो वो लोग यूवी का अंतिम संस्कार कर देंगे सर। संभाल लो अपने आप को। अर्पिता, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? अर्पिता प्लीज, कम से कम आज के दिन तो तमाशा मत करो। मैं करी हूँ तमाशा? तमाशा करने की आदत तुम्हें है? जीते जी तो मेरे पति को चैन से रहने नहीं दिया, अब क्या मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ोगी तुम? अर्पिता ये बात मत भूलो कि यूवी तुमसे पहले मेरे पति थे, और मुझे भी यहाँ मौजूद रहने का पूरा हक है, और उन्हें इंसाफ दिलाने का भी। इंसाफ? कैसा इंसाफ? मानिता जी का कहना है कि मिस्टर यूवी का खून हुआ था। खून? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मिस्टर यूवी को तो हम सबके सामने दिल का दौरा पड़ा है। यकीन नहीं हो रहा मुझे, मुझे ये तो पता था कि तुम चीप पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकते, लेकिन यूवी की मौत का भी मजाक बना दिया तुमने। ये मजाक नहीं है, सच्चाई है सच्चाई। और यहाँ बैठे जितने लोग यूवी से सच में प्यार करते थे, वो सब लोग यही चाहेंगे कि यूवी के कातिल को सख्त से सख्त सजा मिले। कौन है यूवी साहब का खूनी? यही पता लगाने के लिए तो सीआईडी यहाँ आई है। प्लीज आप लोगों को जो भी पता करना है, यूवी के अंतिम संस्कार की बात करना। मैं नहीं चाहती कि यूवी के अंतिम विधि में कोई भी रुकावट आए। सॉरी अर्पिता जी, अंतिम संस्कार नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक हमें मिस्टर यूवी की मौत का असली कारण नहीं पता चल जाता कि उनको हार्ट अटैक आया या फिर उनकी हत्या की गई। और कैसे पता करेंगे आप? उनका पोस्टमार्टम करना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों को यूवी की लाश के साथ कोई चीरफाड़ करने नहीं दूंगी। क्यों, कहीं यूवी के खून में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? देखिए मैडम, आप अंदर रहिए, मैं आपसे कह रही हूँ इस औरत की बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना, किसी की संगी नहीं। आप अंदर चलिए। थैंक्स ऑफिसर, मेरी बात का विश्वास करने के लिए। मिस्टर यूवी का खून हुआ है, इस बात पर हमें तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक डॉक्टर साड़ुंखे खुद नहीं कहते। इस यूवी की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। क्या आप भी यही कह रहे हैं कि यूवी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है? देखिए मैडम, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो साइंस पर बेस होता है। अब ऐसे ही किसी का दिल रखने के लिए मैं सच को झूठ में तो नहीं बदल सकता। सच तो ये है कि यूवी का खून हुआ है, चाहे आप लोग माने या ना माने। देखा सर आपने, अभी भी इसकी कलेजे को बिल्कुल ठंडक नहीं पहुंची, यूवी की नेचुरल डेथ को भी खून का रूप देना चाहती है। क्यों मान्यता जी, ऐसा भी क्या एजेंडा है आपका जो एक नेचुरल डेथ को आप खून साबित करना चाह रही है? सर इसमें मेरा क्या एजेंडा होगा, मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि यूवी के कातिल को सजा मिले, बस और क्या। खूनी को तो तब सजा मिलेगी मान्यता जी जब खून हुआ होगा। साड़ुंखे साहब तो कह रहे हैं कि खून हुआ ही नहीं। एक मिनट, मैंने ऐसा कब कहा? अभी आपने कहा ना। नहीं, मैंने दरअसल अभी ये कहा कि इस यूवी की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई, राइट? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि यूवी का खून नहीं हुआ है? नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है मतलब? मतलब ये सचिन कि जब इंसान को दिल का दौरा पड़ता है तब उसका शरीर ठंडा हो जाता है, उसे पसीना आने लगता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन उसके हाथ पर इस तरह का निशान नहीं आता। आइए दिखाता हूं, ये देखो। इसकी हथेली तो सूजी हुई लगती है। हाँ, सूजा हुआ और ये निशान किसी इंजेक्शन का निशान लगता है। इंजेक्शन का ही निशान है,
सर लेकिन यूवी किसी चीज का इंजेक्शन नहीं लेते थे। लेकिन कर लिया था, और हो सकता है यूवी को जो दिल का दौरा पड़ा वो इसी इंजेक्शन की वजह से पड़ा हो। देखा ना आपने, जरूर यूवी को ये इंजेक्शन उस खूनी ने ही दिया होगा। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा? वही पागल फैन होगी सर जो यूवी को धमकी भरे खत भेजा करती थी। अर्पिता जी, घर में यूवी की जितनी भी चिट्ठियां हैं जो उसके फैंस ने लिखी हैं, वो सब हमें चाहिए। सर लेकिन यूवी को तो हजारों चिट्ठी आती थी, और कोई फैन यूवी को क्यों मानना चाहेगा? अब इसका जवाब तो उन चिट्ठियों में मिलेगा। तुम यूवी की पब्लिसिटी का काम देखती हो ना? जी हाँ। और कोई चिट्ठी बाकी तो नहीं? नहीं सर, यूवी सर के फैंस की जितनी भी चिट्ठियां घर पे थी हम सारी ले आए हैं। ये तो कह रही है कि सारी चिट्ठियां यहीं पर हैं, तो इसका मतलब है वो चिट्ठी भी इन्हीं चिट्ठियों में होगी जिसके बारे में मान्यता बता रही थी, वो धमकी भरी चिट्ठी। देखो जरा। सही चिट्ठी देखिए, इसमें लिखा है, प्यारे यूवी, तुम्हारी जिंदगी में बहुत भीड़ भाड़ है, मक्खियों की तरह सैकड़ों लोग तुम्हारे आसपास मंडराना चाहते हैं, इस भीड़ में मैं कहीं खो गई हूँ, मेरी तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं है तुम्हें, ये चिट्ठी नहीं है, मेरी चेतावनी समझना, अगर तुमने अपने दिल में मुझे कोई जगह नहीं दी जिसकी मैं हकदार हूँ तो अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारी जान लेवा जाने मन। अरे बाप रे, इतनी खतरनाक फैन, नाम की जगह लिखती है जान लेवा जाने मन। जरूर ये वही चिट्ठी है जिसकी वजह से यूवी का खून हुआ है, वही चिट्ठी है। खून से लिखी हुई चिट्ठी। खून से? क्या लिखा है? बहुत समझाया तुम्हें, मगर तुम्हें शायद प्यार की भाषा समझ नहीं आती, इसलिए अब शायद किसी दूसरी भाषा में समझाना पड़ेगा। 15 तारीख को तुम्हारी फिल्म का प्रीमियर है, वो रात तुम कभी नहीं भूलोगे यूवी, तुम्हारी जानलेवा जाने मन। ओह माय गॉड, मतलब इसी चिट्ठी की वजह से उस दिन यूवी सब प्रीमियर में जाने से कतरा रहे थे। क्या यूवी ने बताया था तुम लोगों को इन चिट्ठियों के बारे में? हाँ सर, वो बहुत परेशान थे चिट्ठी को लेकर, इसलिए उन्होंने प्रीमियर पे जाना भी कैंसिल कर दिया। लेकिन जब प्रोड्यूसर ने रिक्वेस्ट करी कि मीडिया बात बढ़ा चढ़ा कर बोलेगी, फिल्म की ओपनिंग में नुकसान होगा, तब वो गए। किस पर शक है तुम्हें? कौन लिख सकता है ऐसी चिट्ठियाँ, कौन करेगा ये? नहीं सर, एक्चुअली यूवी सब भी इस बात से परेशान थे कि ये उनका पागल फैन आखिर है कौन। जानलेवा जाने मन, जरूर इस जानलेवा जाने मन ने पहले से ही प्लान करके रखा था कि प्रीमियर की रात को यूवी को खत्म करने का। सर फिर तो एक बात साफ है, ये जो कोई भी है वो प्रीमियर की रात वहां मौजूद था। हाँ, काम करते हैं, प्रीमियर की रात का सारा फुटेज चेक करते हैं, इतने सारे कैमरास थे, किसी न किसी कैमरा ने तो कैद करके रखा ही होगा इस जानलेवा जाने मन को। यहां पर यूवी गिर गया, यहां पर उसकी मौत हुई। सर रिवाइंड करो,
बस अब यहां से प्ले करो, ध्यान से देखना पूरे क्राउड में। ये देखो इस लड़की को देखो, ये लाल रेनकोट वाली लड़की, देखो कैसे आगे आगे आ रही है लोगों को हटाते हुए, यूवी की तरह। पॉज करो, रिवाइंड करो और फिर से प्ले करो स्लो मोशन में। पॉज करो, देखा यूवी उस लड़की को देख के काफी चौंका। हाँ कहीं वो उसे पहले से तो नहीं जानता था। लड़की का चेहरा अच्छी तरह से दिखना चाहिए, है कौन ये लड़की, जरा देखते हैं आगे, शायद उसका चेहरा अच्छी तरह से हमें दिखे। चलो पूर्वी आगे चलो। पॉज करो यहां, अब है ना उसे चेहरे पर जूम करो, करो मैग्नीफाई करो। पता नहीं कौन है सर, रात के वक्त काला चश्मा भी लगा रखा है उसने। वही तो, कौन हो सकती है ये लड़की। जरा आप लोग इधर आइए, इस लड़की को गौर से देखिए, अच्छी तरह से देखिए। क्या आपने इस लड़की को पहले कभी देखा है? अगर देखा है तो कहां देखा है? आप लोग जानती हैं इसे? अच्छी तरह से देखो। नहीं सर, पहले इस लड़की को कभी नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा सर। प्रियंका तुमने? नहीं सर, पता नहीं कौन है। आखिर है कौन ये लड़की, है कौन ये? किसी को तो पता होगा इस लड़की के बारे में, कोई तो जानता होगा इसे। रेनकोट वाली लड़की को देख के जिस तरह से चौका, मुझे लगता है कि वो जान पहचान की है जिसे वो अच्छी तरह से जानता है। मतलब खूनी कोई दूर का नहीं, आसपास का ही है, उन लोगों में जो यूवी के काफी करीब हैं। पूर्वी जरा दूसरे कैमरे का फुटेज दिखाना। सर स्लो मोशन में करो उसे जरा। एक मिनट पॉज करो, ये देखा जब लड़की ने यूवी को पेन दिया तो यूवी ने कैसे अपना हाथ पीछे खींच लिया। हाँ और यूवी के चेहरे पे थोड़ा दर्द भी है, जैसे पेन उसे चुभ गया। सर यूवी के हाथ पे जो ये निशान है कहीं इस पेन से तो नहीं हुआ है? जिसे हम लोग इंजेक्शन समझ रहे थे वो ये पेन था। इस पेन पे जरूर कुछ लगा होगा जिसकी वजह से यूवी का हाथ सूज गया और उसे दिल का दौरा पड़ गया। ठीक कह रहे हो, उस यूवी को दिल का दौरा क्यों पड़ा ये आखिर पता लगा ही दिया सालों के। क्या बात है सालों के सर, अब जरा हमें भी बता दीजिए। नोलन ट्राइऑक्साइड की वजह से। नोलन ट्राइऑक्साइड, ये क्या है? ये एक ऐसी दवाई है जिसे अगर अच्छे खासे तंदुरुस्त इंसान को भी दे दिया जाए तो उसे भी हार्ट अटैक आ जाएगा। ये तो बड़ी खतरनाक दवाई है डॉक्टर साहब। तो क्या डॉक्टर साहब इस दवाई को पेन के नोक पे लगा के सामने वाले को चुबोई जा सकती है? हाँ बिल्कुल। विनी यस सर,
इस लड़की का पोस्टर सारे शहर में लगवा दो। 24 घंटे के अंदर ये लड़की ब्यूरो में होनी चाहिए। हेलो सीआईडी जी, मैं शांति बोल रही हूँ सुंदर नगर से। वो आपको पोस्टर वाली लड़की के बारे में कुछ बताना था। जी हाँ, मैं जानती हूँ कहाँ रहती है। जा सकती हैं। थैंक यू सर। उस लड़की का नाम शायद मल्लिका है। ये देखिए लेटर पैड में उसका नाम। मल्लिका, यूवी को खून भरी चिट्ठी ठीक ऐसे ही पेपर पे लिखी गई थी। मतलब सर, ये खून भरी चिट्ठी मल्लिका ने ही लिखी थी? हाँ, और उसने चिट्ठी में लिखी गई धमकी को सच कर दिखाया, यूवी को मार डाला। सर, मुझे अंदर दो बैग्स मिले जिनमें इस लड़की ने अपना सारा सामान पैक कर दिया था। शायद घर छोड़कर कहीं जा रही थी। जरूर अपना बोरिया बिस्तरा बांध के कहीं भागने की प्लानिंग कर रही होगी। अपना सामान ऐसे छोड़ के चली कहां गई? जरूर कुछ तो। ताज़ा, जरूर हमारे आने से थोड़ी ही देर पहले यहाँ कुछ हुआ है। सर, कहीं ये खून मल्लिका का तो नहीं? इस मल्लिका को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? सर, मैंने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सारे चेकनाकों पर खबर भिजवा दी। मल्लिका शहर छोड़ के नहीं जा सकती। गुड, उसके घर पर नजर कौन रख रहा? निकले सर वहाँ। अगर वो अपना सामान लेने वापस आती है तो पकड़ी जाएगी। और अगर मैं खुद आप सबके सामने आ जाऊँ तो? एसपी सर, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मैं यहाँ अपना जुर्म कबूल करने आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सच्चे व्यवहार के लिए आप मुझे फांसी के फंदे से बचा लेंगे। हाँ सर, यूवी का खून मैंने किया है और इस बात का मुझे कोई भी अफसोस नहीं। क्यों मारा तुमने यूवी को? जो उसने मेरे साथ किया है, अगर किसी और के साथ भी किया होता तो वो भी उसे मार डालती। ऐसा क्या किया उसने तुम्हारे साथ? दो साल से प्यार का झूठा नाटक करता रहा। शादी का वादा भी किया था मुझसे, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे मुझे जानता तक नहीं। 2 साल से यूवी तुम्हारे साथ प्यार करता था, लेकिन 1.5 साल पहले तो यूवी ने अर्पिता के साथ शादी की। वो इसीलिए, क्योंकि ये शादी उसके करियर के लिए जरूरी थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वो अर्पिता को छोड़कर मुझसे शादी करेगा। उसने अपना वादा नहीं निभाया तो तुमने उसे मार डाला? हाँ। यही वो पिन है जिसे यूवी का खून हुआ है। बटन दबाते ही जहरीली पिन बाहर निकली और यूवी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला गई। जरा मैं भी तो देखूं। सर, केस खत्म, पैसा आयम,
सारे खूनी अगर मल्लिका की तरह शरीफ बन जाए तो हमें तो पसीना बहाना ही नहीं पड़ेगा। नहीं फ्रेडी, केस खत्म नहीं, केस अभी भी जिंदा है। ये मल्लिका झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है मल्लिका। आपको शक है सर? बिल्कुल शक है पूर्वी। मल्लिका के हाथ देखे, उसके हाथों पर कैसे छाले पड़े हैं, उसके नाखून देखे। ऐसे हाथ, ऐसी उंगलियां सिर्फ नौकरानियों की होती है, हाउसमेड की, जो घर में काम करते हैं। हाँ सर, अब ये घरों की लड़कियों की उंगलियां ऐसी नहीं होती। और मल्लिका के घर को देख के लगता है कि वो काफी रईस खानदान से है। वही तो, बस एक ही तरीका है पता लगाने का कि मल्लिका कितना सच बोल रही है। पूर्वी सर, तुम क्या करने वाली हो? तुमसे कुछ सवाल पूछने। उसका ठीक ठीक जवाब देना। अब क्या सवाल पूछना है? मैं अपना जुर्म कबूल कर चुकी हूँ। अदालत ले जाकर जेल भिजवा दो मुझे। जेल भेजने से पहले जो सवाल होते हैं ना, बस वही करने हैं। ठीक है, पूछिए। यूवी का खून किसने किया? मैंने कहा ना, यूवी का खून मैंने किया है। कैसे? उसी पेन के जरिए जो बाहर ऑफिसर ने लिया है। कौन सी दुकान से खरीदा था वो पेन तुमने? जी, वो दुकान, दुकान से नहीं खरीदा था, किसी ने बनाया था वो पेन तुम्हारे लिए। हाँ, वो मेरी सहेली ने। सहेली का नाम? जी, वो मैं आपको नहीं बता सकती। दरअसल मैं उसे किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहती, और वो पेन भी उसने मेरे कहने पर बनाया था। तुम्हारा नाम? मलिका। कौन सा सिनेमा घर पसंद है तुम्हें? क्या इस सवाल का खून से क्या लेना देना? जवाब दो। मान प्रकाश। मान प्रकाश, वही जो बापू बाजार के पास है। इतनी अमीर औरत ऐसे सिनेमाघर में जाती है फिल्में देखने? दरअसल मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? मंत्रा और सूरज। दो दिन पहले कहाँ थी तुम? चूनाबट्टी। कैसे गई? ट्रेन से। क्यों, कार ड्राइवर ले गया था क्या? जी वो। कौन से स्टेशन से ट्रेन ली? डॉकयार्ड से। तुम तो अंबाबाड़ी में रहती हो ना? डॉकयार्ड और चूनाबट्टी के बीच में तो ये कहीं भी नहीं पड़ता। जी कौन से स्कूल में पढ़ी थी? जम वीर बालिका विद्यालय। आपका शक सही निकला सर, सोच सोच के जवाब दे रही है, झूठ बोल रही है। मगर गलती से कुछ जवाब सच भी दे बैठी है ये। डॉकयार्ड स्टेशन के इलाके में रहती है, इसके स्कूल का नाम जम से शुरू होता है, तो डॉकयार्ड स्टेशन के इलाके के आसपास पूछताछ करो। अब तक तो इसने सिर्फ आधा ही सच बताया है, अब आधा सच हम ढूंढ निकालेंगे। ये भाई साहब, इस लड़की को पहचानते क्या? नहीं देखा? नहीं सर, इस मल्लिका को तो कोई भी नहीं पहचानता। मल्लिका, मुझे तो लगता है ये नाम ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, जरा ये फोटो देखिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ जी। इस लड़की को देखा यहाँ पे? ये तो पुष्पा है। आप इसे क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ
लोचा क्या है कि इसने? हाँ, ये लड़की कहाँ रहती है मालूम है आपको? हाँ, ये तो यहाँ रहती है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ। घर तो खुला है पुष्पा। ओ पुष्पा, ऐसे घर खुला छोड़ के कहाँ चली गई है? विनय तलाशी लो। हम लोग घर की तलाशी ले रहे हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे खड़े रहकर देख सकती हैं। पुष्पा के घर की तलाशी? अरे साहब, इस गरीब के झोपड़ी में क्या मिलेगा आपको? वही देखते हैं। ऐसी कोई खास चीज मिली नहीं यहाँ? मैंने कहा था ना साहब, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पुष्पा यहाँ पे अकेले रहती थी या उसके साथ कोई और भी रहता था? साहब यहाँ पे वो अपने अंधे माँ बाप के साथ रहती थी। अंधे माँ बाप के साथ? कहाँ है वो? आज दोपहर में एक आदमी आया था, वही उनको अपने साथ लेके चला गया। कौन था वो आदमी? पता नहीं, मैंने पहले कभी उसको देखा नहीं। उनका दूर का रिश्तेदार कोई होगा। अच्छा, कहाँ लेके जा रहा था, उन्हें कुछ बताया? पता नहीं साहब, मैंने भी पूछा नहीं। अच्छा ये बताओ कि इस पुष्पा का पिछले कुछ दिनों में बर्ताव कैसा था? मेरा मतलब है वो डरी हुई थी, परेशान थी किसी बात को लेके? नहीं नहीं, वो तो काफी खुश थी। खुश? किस बात को लेकर इतना खुश थी? वो बोल रही थी कि वो अपने अंधे माँ बाप के आंखों का ऑपरेशन कराएगी, जिससे उनकी आंखों की रोशनी जल्दी से वापस आ जाएगी। तो ये बात है। मैंने उसको पूछा भी कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आएंगे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बोली कि जब मिलेगा तब बताऊंगी। तो फिर जरूर पुष्पा के माँ बाप को वही आदमी लेकर गया जो पुष्पा को इतने सारे पैसे दे रहा है। कब तक झूठ बोलोगी पुष्पा? सच क्या है हमें बता क्यों नहीं देती? देखो पुष्पा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बात है हमें साफ साफ बताओ। पुष्पा, 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 इससे क्या हो गया? पुष्पा, 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 होश में हो? खून? इसके पेट से इतना सारा खून क्यों से भरा? अरे उर्वी, क्या हुआ? सर जी, ये बैठे बैठे बेहोश हो गई और अभी अभी मैंने देखा कि इसने इतना बड़ा जख्म छुपा कर रखा है। माय गॉड, उर्वी, विनीत, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। हाँ सर। अब समझ में आया इसके घर पे खून के बूंदे कहाँ से आए? किसी ने जख्मी कर दिया था इसे। सर ये केस तो और भी लज गया है। पुष्पा के माँ बाप को भी किसने किडनैप करके रखा हुआ है? सर और कोई एक ही आदमी इन सबके पीछे तो पुष्पा को कठपुतली की तरह नचा रहा है। और याद में कोई करीब का ही है जो पुष्पा और यूवी दोनों को जानता है, जिसने सोचा होगा कि क्यों ना पुष्पा का इस्तेमाल करके यूवी को रास्ते से हटा दें। एक काम करते हैं, पता करते हैं पुष्पा किस किस घर में काम करती थी। जरूर उन्हीं में से कोई है। क्या पुष्पा हॉस्पिटल में है? क्या हुआ है उसे? मुझे उसके पास ले चलो साहब। हम ले चलेंगे आपको उसके पास। पहले मैं उन लोगों के नाम बताई जिनके घर में पुष्पा काम करती थी। पुष्पा? पुष्पा वो भोसले, कदम। तो ये वहां भी काम करती थी। अब समझ में आया कि इसके पीछे है कौन।
साहब आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मगर मैम साहब तो घर पे नहीं है। अच्छा जरा अंदर जाके देखो। सर हमारा नाम भोलू है साहेब, हम कब्बो झूठ नहीं बोलते। अच्छा भोलू भैया ये बताओ कि तुम्हारी मेम साहब गई कहाँ है? वो तो हम आपको नहीं बता सकते। नहीं? सर अंदर नहीं है। देखा साहेब, हमने कहा था ना कि मेम साहब घर में नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते हैं साहब। तुम्हारी मेम साहब तुम्हें बता के नहीं गई कि वो कहाँ गई है? पता तो है लेकिन मेम साहब बताने से मना कर गई। अच्छा ये मेम साहब ने कहा क्या था? मेम साहब ने कहा था कि वो पनवेल वाले फार्म हाउस पे जा रही है लेकिन ये बात सीआईडी को बिल्कुल नहीं बताई। ओह चलो अच्छी बात है, मत बताना, कोई बात नहीं। पनवेल के फार्म हाउस का एड्रेस तो बता सकते हो ना, वो बताने से तो मना नहीं किया होगा। हाँ वो तो बता सकते हैं, बंगला नंबर 35 SFC इंक्लू पनवेल। थैंक यू सो मच भोलू भैया, ये सच बोलने की आदत कभी मत छोड़ना। कभी नहीं छोड़े। थैंक यू। भगवान के लिए हमारी बेटी के पास ले जाइए। तुम्हारी बेटी से मिलाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कहाँ है हमारी पुष्पा? तुम्हारी पुष्पा? तुम्हारी पुष्पा जेल में है। क्या जेल में? नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो। अरे मेरी बेटी जेल कैसे जा सकती है? खून किया है उसने, सुपरस्टार यूवी का खून किया है। नहीं 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 ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। माना कि मैं झूठ बोल रही हूँ लेकिन बहुत जल्द कानून इस बात को सच मान लेगा और तुम्हारी बेटी चढ़ जाएगी फांसी पे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी को मत फंसाओ, मत फंसाओ मेरी बेटी को। बेटी तो तुम्हारी फंस चुकी है लेकिन फिक्र मत करो, फांसी पे चढ़ने के बाद सीधे वो तुम ही दोनों के पास आएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तो तुम दोनों का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना तुम दोनों को भगवान के पास पहुंचा दिया जाए। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें अपने पापों की एक दिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंकल जी प्लीज मरते वक्त इस तरह की बातें मत कीजिए। भगवान का नाम लीजिए, भगवान का, तभी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष तो अब तुम दोनों को मिलेगा, सीआईडी के आश्रम में चलने की तैयारी करो। छोड़, अबे छोड़ 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 दूं? छोड़, ये ले। अरे भाई कौन हो तुम? घबराइए मत, हम सीआईडी से, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा ठीक है। अरे तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो?
ये कोई फिल्म नहीं है स्नेहा, कि तुम एक के बाद एक खून करती रहो और कानून तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके, समझी? धोखा दिया है यूवी ने मुझे, बहुत बड़ा धोखा, और धोखे की एक ही सजा होती है मौत। तुम कौन होती हो किसी को मौत की सजा देने वाली? तो क्या करूं, अदालत जा नहीं सकती, तो मैंने सोचा क्यों ना इंसाफ का बीड़ा मैं खुद उठा लूं। कैसा इंसाफ? अपने साथ हुए अन्याय का इंसाफ। आंखों में हजारों सपने लेकर आई थी इस शहर में हीरोइन बनने के लिए, मगर यूवी ने उन सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया, और उसी बदले की भावना ने मुझे ताकत दी, यूवी की जान लेने की ताकत। यूवी ने तुमसे वादा किया था कि वो तुम्हें हीरोइन बनाएगा? उसने मुझसे ही नहीं, न जाने कितनी मासूम लड़कियों से वादा किया, और उन्हें हीरोइन बनाना तो दूर, एक छोटा मोटा रोल तक नहीं दे सका। मगर तुम्हें तो यूवी ने अपनी सेक्रेटरी बना लिया था, क्यों? वो तो मैंने उसको धमकी दी थी कि या तो वो मुझे अपनी सेक्रेटरी बना ले, वरना मैं मीडिया में जाके उसका भांडा फोड़ दूंगी। और उसके सेक्रेटरी बनने के बाद तुम उसके करीब आकर उसकी मौत की प्लानिंग करने लगी, हाँ? हाँ, इस्तेमाल किया मैंने पुष्पा का इस काम के लिए, ताकि वो इस जुर्म को कबूल कर ले, और वादा किया मैंने उसे कि जिंदगी भर मैं उसके माँ बाप की देखभाल करूंगी। मगर यूवी की मौत के बाद वो डर गई और तुम्हारे प्लान से बाहर निकलना चाहती थी। हाँ, इसलिए तो उसके माँ बाप को मैंने किडनैप किया और उस पर दबाव डाला कि वो इस जुर्म को कबूल करे। बहुत लंबी प्लानिंग की थी, पर क्या फायदा हुआ, पकड़ी गई ना? पकड़ी गई तो क्या हुआ, पर उन हजारों मासूम लड़कियों की जिंदगियां तो बच गई जो आने वाले भविष्य में उस यूवी के जाल में फंस सकती थी। माना यूवी गलत था, लेकिन उसे रोकने के लिए तुमने जो रास्ता अपनाया वो भी गलत था। कानून की मदद ले सकती थी तुम, पर नहीं, कानून को अपने हाथ में लेने की और खून करने की एक ही सजा है, फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.